हाँ सर कर लो। हेलो एंड वेलकम टू लॉ प्रैप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर से हम लोग। बिफोर दैट लेट अस फर्स्ट रिकॉल द लास्ट न्यूज़पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल। सेकेंड इज, इंडिया इम्पोर्ट्स 85% ऑफ इट्स टोटल ऑयल नीड्स एंड इट्स वल्नरेबल टू ग्लोबल सप्लाई एंड प्राइस शॉक्स। बताइए क्या आंसर होगा इसका। हम लोगों ने कल देखा था कि क्रूड ऑयल की क्या सिचुएशन हो रही है और इंडिया में क्रूड ऑयल कहाँ कहाँ पर है और वहां पर किस किस तरह से वर्ल्ड से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं और किस तरह से हमारी सिचुएशन है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। एनीवन, क्या आंसर है? सीज द आंसर। दोनों ऑप्शन सही है। सी, बोथ आर करेक्ट। एनीवन एल्स? और कोई? वेल, सीधी सी चीज है, दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। हम लोगों ने जैसे देखा था दैट चाइना और यूएस के बाद में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। और सेकेंडली, 85% जो क्रूड ऑयल है वो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, 15% ही जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। जैसे मैंने बात करी थी आपसे, एक मुंबई हाई के पास में है और सेकेंडली जो है वो अजमेर के आसपास है, ठीक है, तो बाड़मेर के आसपास, सॉरी राजस्थान में। सेकेंडली, थर्ड जो है वो आसाम की, आसाम में आपके डिपोर बेल है। ओके, तो ये लिमिटेड एरियाज है जहां पर हो सकता है ऑयल। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। सेकेंड, इट नीड्स नॉट मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो। बताइए एनीवन क्या आंसर होगा। पेमेंट बैंक के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि पेटीएम को रिसेंटली जो है वो आरबीआई ने रोक दिया था और आरबीआई ने कहा था कि आप नए कस्टमर्स नहीं ला सकते, उसी से रिलेटेड है ये सारा। बताइए एनीवन क्या आंसर होगा। पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। सत्यम साखले सिंह, ए ए इज द आंसर। ए, एनीवन एल्स? क्या आंसर होगा। वेल, सीधी सी चीज है, इसके अंदर पेमेंट बैंक जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने बात था देखी थी कि भाई करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट दो तरह के अकाउंट होते हैं जो कि दोनों ही वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, कैश रिजर्व रेशियो जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हमने बात करी थी कि 4% के आसपास होता है और एसएलआर, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो भी मेंटेन करना पड़ता है उनको, जो कि 17-18% के आसपास रहता है उनकी टोटल डिपॉजिट्स का, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका। आंसर विल बी ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ कमिटी हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ पेमेंट बैंक्स। सेकेंड इज, इट कैरी आउट मोस्ट बैंकिंग ऑपरेशन बट कैन नॉट एडवांस लोन और इशू क्रेडिट कार्ड। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट और नन इज करेक्ट। बताइए एनीवन क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका। हम लोगों ने देखा था पेमेंट बैंक के बारे में स्पेसिफिकली और किस तरह से बना था, कौन कौन सी कमिटीज इसके लिए बैठी थी। थोड़ा सा टफर साइड में जरूर लगता है क्वेश्चन, पर ज्यादा है नहीं। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एनीवन सीज द आंसर। बोथ आर करेक्ट। सी, वेल, पहला पहला जो है, कमिटी हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, ये स्टेटमेंट गलत है। शक्तिकांत दास कमिटी नहीं थी इसके लिए। ओके, सेकंड जो है वो करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर असेट हेल्ड बाय रिजर्व बैंक बाय अ सेंट्रल बैंक इन इट्स ओन करेंसी. सेकेंड इज इंडियाज फॉरेन रिजर्व इंक्लूड गोल्ड रिजर्व स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व पोजिशन विद द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट और बोथ और नन, बताइए. एनीवन? क्या आंसर होगा इसका, कोई बता सकता है? बताइए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसे कहते हैं और किसके पास क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है, हम लोगों ने ये चीज देखी है स्पेसिफिकली. एनीवन? वेल सीधी सी चीज है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर असेट हेल्ड ऑन रिजर्व बाय अ सेंट्रल बैंक इन इट्स ओन करेंसी. अगर ओन करेंसी के अंदर कोई चीज होगी तो वो फॉरेन रिजर्व कैसे होगा, फॉरेन एक्सचेंज कैसे होगा? ओन करेंसी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आप डॉलर रखते हो, ठीक है ना, बाहर की करेंसी अपने पास रख रहे हो, दैट इज फॉरेन, ठीक है ना. फॉरेन रिजर्व्स के अंदर वो चीज आती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है गलत. सेकंड इज इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व इंक्लूड्स गोल्ड रिजर्व्स स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ. ये चीज जो है वो ठीक है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द बल्क ऑफ WTO's करंट वर्क्स कम फ्रॉम 1986-94 नेगोशिएशंस कॉल्ड द उरुग्वे राउंड. सेकंड इज WTO वाज फॉर्मड इन ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर. हम लोगों ने कल देखा था किस तरह से जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है उसको रशिया को देने से हटा रहा है. अब रशिया को अब नहीं दिया जाएगा. यूएस जो है वो कह रहा है कि मैं अब मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस देते हैं हर कंट्री को वो अब रशिया को नहीं दूंगा. और यही चीज जो है वो यूरोपियन यूनियन भी, यूरोपियन कंट्रीज भी कर सकती है. इससे रिलेटेड हम लोगों ने रिसेंटली देखा था कि इंडिया और पाकिस्तान की भी हम लोगों ने बात करी थी कि रिसेंटली पुलवामा अटैक वगैरह के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात कह दी थी दैट हम लोग पाकिस्तान को भी ये स्टेटस नहीं देंगे. ये स्टेटस का मीनिंग मैंने देख लिया था, हम लोगों ने देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये बात देखी थी कि किस तरह से MFN स्टेटस जो है वो ये चीज दिखाता है कि कोई भी तरीका का जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी जो है बिहेवियर नहीं करेगा कोई भी कंट्री किसी दूसरे के साथ, ठीक है. इससे रिलेटेड ये सारी चीज थी. ओके, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए. बहुत इजी क्वेश्चन है WTO पर. एनीवन? आज आंसर काफी कम आ रहे हैं. क्वेश्चन हार्ड ज्यादा है क्या, बताइए. एनीवन? ए इज द आंसर. ए. वेल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल बात आपकी सही है. सेकेंड ऑप्शन जो है वो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर WTO की जगह वर्ल्ड बैंक लिखते तो सही हो जाता, ठीक है. तो ऑप्शन वन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. G7 इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड इन 1975. सेकेंड इज द G7 कंट्रीज आर द UK, यूनाइटेड किंगडम, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द US. बताइए. फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड करेक्ट, बोथ और नन. G7 के रिलेटेड भी हम लोगों ने चीज देखी थी, जो MFN स्टेटस के हटाने की बात है वो स्पेसिफिकली करी जा रही है G7 ने ही करी है ये बात, है ना. और इससे रिलेटेड ही ये सारी बात थी जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई किस तरह से G7 के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और G7 कंट्रीज कोशिश कर रही है कि वो रशिया के ऊपर प्रेशर बना सके. बताइए. बी आंसर. बी. वेल देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है. 1975 में बना था और मेंबर्स जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संडे का न्यूज़पेपर देख लेते हैं. संडे के न्यूज़पेपर में क्या चीजें आई हैं. तो सबसे पहले EPF रेट कट टू 8.1% टू हिट सेविंग्स. अभी EPF क्या होता है ना, और इसकी रेट कट करने का मतलब क्या है, ठीक है. टू हिट सेविंग लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है. तो इसको शॉर्ट में हम लोग देखते हैं, ज्यादा आपके डीप में तो काम की चीज नहीं है ये, शॉर्ट में समझते हैं. बेसिकली क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय होता है ना जो फॉर्मल सेक्टर में, तो फॉर्मल सेक्टर में ये चीज होती है दैट एम्प्लॉयज जो है उनको
एक एज के बाद में, 58-60 की एज के बाद में क्या होता है कि जब वो रिटायर होते हैं, जब उनकी बॉडी जो है वो काम नहीं कर सकती एज अ वर्कर, उस समय जो है वो उनको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के लिए क्या होता है कि जब जैसे ही वो कोई जॉब में लगते हैं शुरुआत में छोटी एज में, उस समय में क्या होता है कि उनको उस एज के अंदर क्या होता है कि उनको थोड़ा थोड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट लेती रहती है उनकी सैलरी में से, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो उनके एम्प्लॉयर भी करते हैं, यानी कि जिसके अंडर वो काम करते हैं वो लोग भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपए किसी की सैलरी है तो उसमें 5-6 रुपए जो है वो एम्प्लॉयर दे देगा, 5-6 रुपए सैलरी में से खुद वो पसंद दे देगा, ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट खुद जो है वो उसके अंदर पैसे लगाती है। तो ऐसे करके एक फंड जो है वो इकट्ठा किया जाता है। ये फंड 30 साल तक, 25 साल तक, जितने साल भी वो काम करता है, रिटायर नहीं होता है तब तक इकट्ठा किया जाता है, और बाद में जैसे ही वो रिटायर होता है तो उसको फिर जो है वो पेमेंट कर दिया जाता है उसका, ताकि उसकी ओल्ड एज जो है वो इजीली निकले, ठीक है। तो ये जो पेंशन की जो स्कीम है, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, इसको कहते हैं ईपीएफ, ठीक है ना। और ये जो फंड बनता है इसे ये होता है ईपीएफ, ठीक है ना। तो ये जो फंड बना है रिसेंटली, इसके ऊपर क्या होता है कि जो पैसा इकट्ठा होता है इसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है। जैसे मान लीजिए कि 1 महीने के अंदर 20 रुपए इकट्ठे हो गए तो उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है। तो अभी रिसेंटली जो इंटरेस्ट की जो रेट थी, जिस रेट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, वो रेट जो है वो अभी कम कर दी गवर्नमेंट ने, कि हम लोग अब कम रेट के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है इसमें न्यूज बनी है कि भाई ये जो रेट है वो आपको कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज है उनको कम पैसे मिलेंगे ऐसी सिचुएशन के अंदर, ठीक है, जो कि चीज ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में न्यूज है पूरी। थोड़े फैक्ट्स इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। एक तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, 1995 में शुरू हुई है। देखिए 1995 के अंदर ये स्कीम शुरू हुई है, इससे पहले और भी कई स्कीमें थी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं उसके बाद से लगभग एम्प्लॉयज के लिए कोई ना कोई स्कीम चलाती ही रही है, ठीक है ना। तो ईपीएफओ जो है वो 1952 के आसपास ही शुरू हो गया था, जो फंड है वो बनना उस समय से शुरू हो गया था, ठीक है ना। स्कीम्स में कई बार छोटे मोटे चेंजेस कर दिए जाते हैं, पर ओवरऑल जो है ये फंड शुरू से ही था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से ही शुरू हो गया था, ठीक है। ये तरीके की चीज है। 15,000 पर मंथ की जो सैलरी कोई लेता है एम्प्लॉयज, या उसे वो जो एम्प्लॉय उसकी जो लेता है बेसिक वेजेस कम से कम 15,000 की होती है, तो वहां पर ये ईपीएफ वाली चीज जो है वो लागू होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट 1.16% जो है वो मंथली सैलरी का कंट्रीब्यूट करती है इसमें। इसको रेगुलेट करने के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई भी है, ठीक है ना, जो कि इसका एक्ट 1952 है उसके हिसाब से काम करती है। मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको एडमिनिस्टर करती है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस होता है, ये सारी चीजें सोशल सिक्योरिटी में आती है ना, तो ये सब सोशल सिक्योरिटी में आती है। तो सोशल सिक्योरिटी काम करने का जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो ईपीएफओ है, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट न्यूज है, सेंटर अलाउ सेंसस सेल्फ एन्यूमरेशन, सेल्फ एन्यूमरेशन इन सेंसस। देखिए हमने रिसेंटली देखा था, अगर आपने रेगुलर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको मिला होगा, पिछले साल के अखबार में ये चीज आई थी दैट सेंसस जो है उसको डिले किया गया था कि भाई सेंसस कोरोना चल रहा है इसलिए लोग जो है वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो लोग घर जाकर के ये चीज देख नहीं सकते हैं कि भाई कितने लोग हैं, सेंसस नहीं कर सकते क्योंकि बीमारी चल रही थी। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने ये बात कही है दैट अब हम लोग वापस जो है वो सोच रहे हैं सेंसस कराने का, क्योंकि लगातार जो कोविड केसेस है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। तो जो सेंसस कराने का तरीका है उसमें गवर्नमेंट अब धीरे धीरे चेंजेस कर रही है, ठीक है। तो चेंजेस में सबसे पहला चेंजेस तो जैसे हम लोग समझ ही रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट अब जो है वो डिजिटल चीजों की हेल्प लेगी, है ना, डिजिटल चीजों की हेल्प लेकर के और उसके बाद में वो सेंसस करेगी ताकि और ज्यादा इजीली काम हो। वरना क्या है, पहले जो है एक एक चीज को लिखा जाता था, अब क्या है डायरेक्टली वो स्टोर होगा उनके, उनको जो भी गैजेट दिया जाएगा उसमें, और वो डायरेक्टली जो है वो फिर भेज दिया जाएगा। वरना बीच में कई बार पन्ने फट जाते थे, कई बार चीजें सही होती नहीं थी, है ना। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर ये जो चीजें शुरू हुई कि अब उसके लिए गवर्नमेंट को अपने रूल्स में जो चेंजेस करने चाहिए वो चेंजेस उन्होंने रिसेंटली अलाउ किए हैं, ठीक है। सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब ये है कि जो लोग खुद से अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं सेंसस को, है ना भाई, अभी इलेक्ट्रॉनिक जो सब कुछ हो गया उससे ये भी तो सुविधा हुई है कि भाई आप लोग जो है वो खुद से बता सकते हो कि भाई ये सिचुएशन है और मेरे घर की ये स्थिति, इतने हम लोग रहते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब ये हो गया कि भाई लोग खुद से अगर कुछ बताना चाहते हैं सेंसस के बारे में तो वो चीज भी कर सकते हैं। काफी सारे चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब लेके आ रही है, ठीक है, ये चीज है। सेंसस का जैसे हम लोगों को पता ही है 10 साल में एक बार होता है, ठीक है ना, ये चीज है। तो इसकी लीगल बैकिंग हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है,
कि भाई ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये कंडक्ट करवाता है हर 10 साल में सेंसस। ठीक है, 1951 तक जो है वो एडहॉक बेसिस पर ये चीज चलती थी। ठीक है, ये चीज एडहॉक का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर उस काम के लिए ही एक बार कमेटी बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो गया फिर वो ऑर्गेनाइजेशन वापस खत्म हो गई। तो एडहॉक बेसिस का मतलब पर्टिकुलर उस काम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनती थी और फिर खत्म हो जाती थी। 1951 तक ये होता था। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दी कि भाई परमानेंट ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, कोई भी इससे रिलेटेड और भी काम होंगे तो वो उसे होते रहेंगे, साल भर होते रहेंगे और 10 साल तक होते ही रहेंगे, और भी करेगा, कोई सेंसस अगर हमें करना है तो उसके साथ में उसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक परमानेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई। इसकी लीगल बैकिंग क्या है कि सेंसस एक्ट बना हुआ है 1948 का, जिसके बेस के ऊपर ये चीज चलती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले जो है ये एक्ट जो है बिल लेकर के आए थे वो। ठीक है, जो उस समय होम मिनिस्टर थे इंडिया के, जैसे हम लोगों ने पहले बात भी करी थी काफी बार, है ना। आर्टिकल 246 भी स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो सेंसस को एक यूनियन सब्जेक्ट बनाता है। यूनियन सब्जेक्ट का मतलब क्या है, यूनियन जैसे हम लोगों ने पहले बात करी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन लिस्ट होती है। पहली लिस्ट बेसिकली होती है यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर ऐसी लिस्ट यानी कि ऐसे टॉपिक्स जिसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या पार्लियामेंट इंडिया का जो है वो रूल बना सकता है, लॉज बना सकता है। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और तीसरी जो होती है दैट इज आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके ऊपर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। पल्लवी सिन्हा सिंह की, बट सर सेल एन्यूमरेशन में लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताएंगे और कुछ नहीं तो गवर्नमेंट के पास सिटीजन्स का बैलेंस डेटा नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट जब ये चीजें शुरू करती है ना तो गवर्नमेंट स्पेसिफिकली इसी तरह का एक पैटर्न बनाती है। इन्फॉर्मेशन अगर आपको डालनी है उसके अंदर, कि आप सिर्फ उस वो इन्फॉर्मेशन ही डाल सकते हो जो गवर्नमेंट पूछ रही है। ठीक है ना, तो ये चीज नहीं होती, इस चीज को भी देखने के लिए काफी सारी चीजें रखी हुई होती है। गवर्नमेंट को जितनी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है गवर्नमेंट सिर्फ उतनी ही लेती है, तो ऐसी कोई चीज नहीं, और ज्यादा इसकी डीप में जाने की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है ना, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, ज्यादातर सिचुएशन में ये चीज समझाई नहीं जाती है, मोस्टली सिर्फ फैक्ट बता दिए जाते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए बता दिया था कि आपको थोड़ा बहुत चीजें याद रहती है समझाने से, है ना, बाकी आपको इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से सारा कुछ होगा। क्लियर, ये चीज। तो सीरियल नंबर 69(7) शेड्यूल का जो है उसके हिसाब से ये यूनियन लिस्ट में डाली गई है आर्टिकल 246 में। फिर सेंसस के बारे में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो इंडिया में ब्रिटिशर्स आए उन्होंने शुरुआत करी 1800 के अंदर इंग्लैंड में। ठीक है, उसके बाद में इलाहाबाद और बनारस के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने किया। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बात बताइएगा कि इंडिया में फादर ऑफ सेंसस किसे कहा जाता है ना, रिसर्च कीजिएगा मुझे बताइएगा फादर ऑफ सेंसस किसे कहते हैं। फिर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो इंडिया का वो 1830 के अंदर हेनरी वॉलेट ने किया था। ठीक है, ढाका के अंदर, ढाका कहाँ पर है, ढाका कहाँ पर है बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने। ढाका इज बेसिकली सिचुएटेड इन बांग्लादेश। ओके, उसके बाद में 1972 के अंदर जो है वो पहला बड़ा सेंसस हुआ इंडिया में, लॉर्ड मेयो ने करवाया। ठीक है, और फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस यानी कि उसी समय पर उस टाइम का सेंसस करवाने का काम 1881 में डब्ल्यू सी प्लोवेल जो कि उस समय के सेंसस कमिश्नर थे उन्होंने किया था, और उसके बाद से लगातार हर 10 साल में हो रहा है। ठीक है, ये बात है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की भी यहाँ पर बात हो रही है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बेसिकली क्या चीज होती है, ज्यादा तो आपको समझना नहीं है, इसको डीप में जाना, बेसिकली थोड़ा बहुत समझ लें सिर्फ। क्या होता है, जैसे ही सेंसस होता है तो उससे पहले हाउस लिस्टिंग होती है, यानी कि किन किन घरों को किस किस तरह से हम लोग को लेना है और किस किस तरह से हम लोग एक एक एरियाज में जाएंगे, और फिर वहां पर हर घर के अंदर जाकर के और उनसे डिटेल लेंगे। तो उससे पहले एक हाउसिंग जो है वो आप कह सकते हो, हाउस हाउस जो होते हैं जितने भी हाउस हैं उनकी लिस्टिंग की जाती है। तो उस समय में क्या है, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों के बारे में कलेक्ट की जाती है। ठीक है ना, और उसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या फिर ये जो सेंसस होता है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिटीजन के बारे में ही जो है वो पता किया जाए। ठीक है ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर इंडिया के जो यूजुअल रेजिडेंट्स है, यूजुअल रेजिडेंस का मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो आदमी रह रहा है 6 महीने पहले से या फिर आगे 6 महीने रहना चाहता है। ठीक है, यानी जरूरी नहीं कि सिर्फ सिटीजन के बारे में, है ना, इंडिया के अंदर अगर जो रहना चाहता है यूजुअली भी रह रहा है या सिटीजन नहीं भी है तो भी वो पॉपुलेशन रजिस्टर में उसका नाम आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज, ये बेसिकली क्या हुआ था कि हमारा जो
99 में जो इंडिया पाकिस्तान का जो छोटा वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल, तो उसके बाद में ये चीज ध्यान ये समझ में आई थी इंडिया को कि भाई काफी सारे पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के अंदर रह रहे थे और काफी स्पाई का काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसके बाद में कमेटी बैठी थी जिन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं चाहे वो इंडिया के सिटीजन है या नहीं है, एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए कि कौन लोग है ना। इस चीज के कारण क्या हुआ दैट गवर्नमेंट ने ये चीज करी कि भाई अब से सभी लोगों के बारे में एक रजिस्टर बनाया जाएगा जो पूरी पॉपुलेशन को बताएगा इंडिया की, ठीक है ना। तो पहला इस तरह का जो एनपीआर है वो 2010 में हुआ, जो कि 2015 में इसको अपडेट भी किया गया, ठीक है ना। और जैसे मैंने आपको बता दिया हाउस लिस्टिंग की जो है वो करता है, इससे हाउस लिस्टिंग से ये लोग करते हैं और 10 ईयर्स में एक बार सेंसस के साथ ये चीज होती है, ठीक है। एनपीआर और सेंसस के अंदर थोड़े जो डिफरेंसेस है वो समझ लीजिए। एनपीआर बेसिकली जो जैसे मैंने अभी आपको बताया पॉपुलेशन रजिस्टर है जिसके अंदर सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डेटा लिया जाता है, ठीक है, और बायोमेट्रिक्स थोड़े बहुत ले लिए जाते हैं। जबकि सेंसस जो होता है उसके अंदर डिटेल क्वेश्चनरीज होती है कि भाई आप लोग घर में कितने लोग हो, कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और घर में औरतें कितनी हैं, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज कितने लोग हैं, 60 ईयर्स के ऊपर कितने लोग हैं, आप लोग ऑक्यूपेशन क्या क्या करते हो, पूरी की पूरी जो पंचायत है वो पूरी की पूरी 29 आइटम्स के अंदर ले ली जाती है करके, ठीक है ना। कितना क्या करना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है, ये बात है। लीगल बेसिस भी अलग अलग है इनके, ठीक है। सेंसस जो है उसको सेंसस एक्ट के कारण जो है वो लीगल बेस मिला हुआ है, जबकि एनपीआर जो है वो सेट ऑफ रूल्स बने हुए थे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के, उसके हिसाब से बना हुआ है, क्लियर ये चीज। नेक्स्ट इज केरला टॉप्स इन मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। देखिए रिसेंटली जो है वो गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो एक बुलेटिन निकालते हैं, बुलेटिन मतलब यूं समझ लीजिए कि एक तरह की मैगजीन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर उन्होंने ये बात बताई है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन है उसके अंदर ये बात सामने आई है दैट इंडिया जो है उसके अंदर जो मैटरनल मोर्टैलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट का मतलब क्या होती है कि पर लैख पॉपुलेशन के अंदर, पर लैख के अंदर कितनी औरतें जो है वो बच्चों को जन्म देते हुए उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना, मैटरनल मोर्टैलिटी, ठीक है, इसको ये बात कहते हैं। तो मैटरनल मोर्टैलिटी इंडिया के अंदर कितनी है वो चीज बताते हैं ये। तो वो जो डेटा उसका बाहर निकला है उसके अंदर ये चीज सामने आई है कि इंडिया की जो मैटरनल मोर्टैलिटी है वो काफी कम हो चुकी है, 103 डेथ पर लैख पर आ चुकी है, ठीक है ना। और उसके अंदर से भी केरला जो है वो काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो केरला के अंदर तो सिर्फ ये जो है 30 ही है, ठीक है ना। अभी आप रिसेंटली अगर देखोगे ये जो आप स्टैटिस्टिक्स देखो ये जो बना हुआ है चार्ट इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये चीज देखने को मिलेगा आपको कि इंडिया अभी तक भी वहां नहीं पहुंच पाया है जहां पे केरला जो है वो 2004 और 6 के अंदर ही था 95 पर, ठीक है। तो केरला के जैसे हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है कि उनका जो स्पेसिफिक फोकस है वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर रहता है ना, ये चीज है। तो इसलिए एग्जैक्टली जो जैसा हम लोग काम करेंगे वैसे उसका रिजल्ट आएगा। तो ऐसा 30 डेथ पर लैक पॉपुलेशन और केरला वापस टॉप कर रहा है पूरे पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। हालांकि इंडिया की जो रैंक है वो काफी खराब है अगर आप डेवलप्ड कंट्री से देखोगे, जहां पर ओवरऑल पूरे देश की ही जो आप कह सकते हो एमएमआर है वो 36-40 के आसपास रहती है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, पर हाँ बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे अगर आप अफगानिस्तान से कंपेयर करोगे या इस तरह से लोग इस तरह के देशों से अफ्रीकन कंट्री से कंपेयर करोगे तो बढ़िया है, बाकी ओवरऑल ज्यादा अच्छी नहीं है ये चीज, ठीक है ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सैंक्शंस कुड क्रॉस कॉज स्पेस स्टेशन टू क्रैश। देखिए मैंने आपको पहले 2-3 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बता रखा है, अगर आपको याद हो तो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है कि आपके स्पेस के अंदर क्या होता है कि लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर, यानी कि अर्थ से थोड़ी सी दूरी पर जहां पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट ना हो, उस एरियाज में क्या होता है कि एक स्पेस स्टेशन बनाया जाता है जहां पर एस्ट्रोनॉट जो है वो रहते हैं और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कैंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, है ना। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स फॉलो करते रहते हैं, तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जैसे देखिए इस एरियाज में ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अर्थ के जो है वो अराउंड ये घूमता रहता है, ठीक है ना, ये पूरा इसका चक्कर निकालता रहता है और ऐसा अर्थ के आसपास रहता है तो कहीं बाहर भी नहीं जाता, ठीक है ना, और उसकी ग्रेविटी के अंदर अंदर भी रहता है लेकिन इतनी भी ग्रेविटी में नहीं रहता कि उसको ग्रेविटी इफेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये जो काम है इसके अंदर मोस्टली क्या है दैट कई सारे देश कोलैबोरेट करके और उन्होंने आईएसएस बनाया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था, ठीक है। इसके अंदर यूएस, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा मिले हुए थे, ठीक है। इन सब ने मिलकर के ये बनाया था ताकि हम लोग साइंस को और आगे ले जा सके, उनका ही कहना था,
ठीक है। अब रिसेंटली जो रशिया और यूएस के बीच में जो अल्टरकेशन बढ़ रहे हैं उसके कारण से क्या है कि रशिया ने ये बात कही है दैट अब अगर आपने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने बंद नहीं करे तो हम लोग जो है वो स्टेशन शायद क्रैश हो जाए। क्रैश हो जाएगा क्यों बोला उन्होंने, उसका रीजन ये है कि रशिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आईएसएस को ऑर्बिट में रखने के लिए। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, जैसे जो आपको व्हाइट लाइन दिख रही है ये इसका ऑर्बिट है ना, ये इसके अंदर रहे और इससे भटके नहीं, ना ही बाहर निकले और ना ही अर्थ की तरफ नीचे जाए। इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रशिया की है, ठीक है ना। और सेकेंडली एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ से लेकर के और वापस आईएसएस तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रशिया की है, ठीक है। लेकिन ऐसे सिचुएशन के अंदर रशिया ने ये बात कह दी कि अगर आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाते रहोगे तो अल्टीमेटली हम लोग ये करेंगे कि ये जो आईएसएस है उसको नीचे गिरा देंगे, ठीक है ना। तो ये इन्होंने धमकी जो है वो यूएस को और आपके वेस्टर्न कंट्रीज को दी, ठीक है, ये चीज इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट चीज क्या है दैट इनका इसके अंदर ये है कि नासा जो है, जैसे अभी रिसेंटली किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था मेरे से जब मैंने इसके बारे में बताया था कि नासा जो है अब सोच रहा है इसको डीकमीशन करने का, 2031 तक जो है उसको डीकमीशन कर देगा। डीकमीशन का मतलब क्या होता है कि आपने कमीशन किया कोई चीज को, यानी कोई चीज को आपने छोड़ी और शुरुआत करी। डीकमीशन का मतलब होता है कि अब आप उसको वापस ले रहे हो, जैसे आईएनएस विक्रांत है उसको डीकमीशन कर दिया गया है ना, और उसे फिर एक बाइक बना दी उसका नाम बना विक्रांत, है ना। तो डीकमीशन मतलब उसको रिटायर कर देना, चीज को वापस बुला लेना, ये होता है डीकमीशन करना, ठीक है। तो 2031 तक वो उसको वापस लेने की तैयारी है। सेकेंड चीज क्या है दैट चाइना ने भी इस तरह का स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च करने की कोशिश की थी, ठीक है ना, और 2-3 बार उसने उन्होंने ट्रायल भी कर लिया है। टैंगोंग 1 और टैंगोंग 2 जो है उनको छोड़ा था उन्होंने, ठीक है, इस चीज को देखने के लिए, ठीक है। और रिसेंटली जो है वो टियान जो है उसको छोड़ा है 2022 के अंदर, जिसका नाम हार्मनी ऑफ हेवन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो चाइना को बेसिकली क्या, चाइना का ईगो हर्ट हो गया कि भाई इतने सारे लोग जो है आपने मिलकर के आईएसएस बने और मेरे को पूछा भी नहीं, ठीक है। तो चाइना का मैं अपना खुद का अकेला खुद का छोड़ लूंगा, ठीक है। तो इसलिए चाइना ने क्या ये सोचा और चाइना ने खुद की तरफ से कोशिश करने की कोशिश करी। इंडिया भी ये चीज चाह रहा है कि वो खुद का जो है वो इस तरह का एक आईएसएस की तरह ही एक स्पेस स्टेशन बनाए, ठीक है ना। इंडिया भी सोच में है और इसी की मूव में एक बड़ा स्टेप जो है वो गगनयान मिशन है ना। रिसेंटली हम लोग इसकी बात भी करी है किस तरह से एयरफोर्स पायलट्स को यूज किया को लेकर के, और एयरपोर्ट जो पायलट्स उनको भेजा जाएगा ताकि इंडिया जो है वो ये जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एक अच्छा काम कर सके, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आज का न्यूज़पेपर। आज का न्यूज़पेपर क्या कह रहा है, फर्स्ट इज पीएम बीफ ऑन मिसाइल इशू रिव्यूज डिफेंस सिचुएशन। देखिए रिसेंटली अभी क्या हुआ था दैट एक राजस्थान और पाकिस्तान, आपको जैसे पता ही होगा कि एकदम पास पास में है ना, पड़ोसी। तो राजस्थान के अंदर जो हम लोग सैटेलाइट्स का जो आपकी जो मिसाइल्स का टेस्ट करते रहते हैं कई बार, जो खाली एरियाज है राजस्थान में से काफी एक बड़ा एरिया है जहाँ पे सिर्फ सैंड ही सैंड है ना, एकदम बंजर जमीन है पूरी पूरी। तो वहां पर क्या है कि मिलिट्री टेस्ट करना काफी ज्यादा इजी रहता है ना। तो इस कारण से क्या है कि हम लोग वहां पर टेस्ट करते रहते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि एक इंडिया की जो एक मिसाइल थी वो टेस्ट होते होते थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट के कारण और वो पाकिस्तान में चली गई और वहां जाकर के और 126 किलोमीटर अंदर जाकर के और कहीं लग गई। हालांकि उससे किसी का लॉस तो नहीं हुआ, ना वहां पे कोई प्रॉपर्टी खराब हुई है ज्यादा और ना ही किसी पर्सन की डेथ हुई है या कोई इंजरी हुई है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को ये लगा कि मेरी सोवरेनिटी के ऊपर अटैक है, ये चीज ठीक नहीं हुई मेरे साथ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जो है उसको वो भी काफी इशू बना रहा है इस बात का कि भाई हमारे ऊपर जो है वो हमला कर रहा है इंडिया वगैरह वगैरह। पर इंडिया ने ये बात कही कि भाई टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये चीज हुई है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया रिसेंटली आर्मी ने कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं थी बल्कि सिंपल सा एक अटैक हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ इससे रिलेटेड, ठीक है, ये चीज है। इंडिया की अनआर्म्ड मिसाइल है, अनआर्म्ड का मतलब क्या है कि कोई सिर्फ मिसाइल है उसके अंदर कोई बारूद नहीं डाला हो जिससे कुछ विस्फोट हो, ठीक है। मोस्टली क्या होता है मिसाइल के अंदर आप आर्म्स डालते हो, है ना, मिसाइल तो सिर्फ एक आप कह सकते हो कि व्हीकल है छोड़ने का, उसके अंदर आप जब बारूद डालते हो तब जो है वो फायदा होता है ना, तब वहां पे कुछ ब्लास्ट होता है या जिससे कुछ लॉस होता है, ठीक है। तो इंडिया ने ऐसा कुछ था ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो इंडिया ने ये बात कही कि भी ऐसी कोई बात नहीं है, बात का बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ना तो वो आर्म था ना और कोई चीज थी, ठीक है,
ये चीज है। और पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही जो है वो फेंकती है, और बहुत तेज मिसाइल थी, बहुत तेजी से आकर के लगी थी और एकदम कान के पास से निकल के पता ही नहीं चला, और शायद न्यूक्लियर वेपन भी थे उसके अंदर, पर वो फिर वो पानी वानी गिर गया तो वो फ्यूज हो गए शायद, ठीक है। तो पाकिस्तान तो जैसा आपको पता ही है वो इसी तरह की लैंग्वेज यूज करेगा, पर इंडिया का ये कहना है कि भाई ऐसा कोई जॉइंट कोलैबोरेशन का या फिर जांच करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी इंडिया जो है उसको सीरियसली लेकर के और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है। तो जैसा आपको पता ही है हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हैं दोनों देशों के, तो इसलिए ये चीजें होंगी। नेक्स्ट इज इंडिया की कौन कौन सी मिसाइल है एक बार देख लेते हैं शॉर्ट के अंदर, ठीक है। प्रहार मिसाइल है, इसकी रेंज है 150 किलोमीटर की। देखिए छोटी जो मिसाइल्स है वो तो काफी सारी है ना, और इसलिए ज्यादा उसको लेने की जरूरत नहीं है, जैसे नाग वगैरह भी थी पर उनको ज्यादा इन्वॉल्व किया नहीं, ठीक है। नाग की जो है वो रेंज काफी कम है, वो 35 से लेकर 70 किलोमीटर के आसपास में रहती है ना, वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना। तो इस तरह की मिसाइल्स भी काफी है, पर बेसिक बेसिक जो मिसाइल्स है जिसका शायद कोई पेपर में कुछ आ सकता है तो उसकी मैंने डिटेल यहाँ पर डाली है, ठीक है ना। ये अच्छी एक मेरे को इमेज मिल गई थी। तो पृथ्वी है, पृथ्वी सेकंड 350 किलोमीटर की है। फिर अग्नि है, अग्नि का तो ये बात ध्यान रखें कि अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 जो है जैसे जैसे उसकी 1, 2, 3, 4 ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ेगी वैसे वैसे इंटू 1000 जो है वो आप उसका कर लीजिए। जैसे 1 है तो वो 1000 के अंदर अंदर है, ठीक है, 700 किलोमीटर का है। 2 है तो 2000 किलोमीटर, 3 है तो 3200 किलोमीटर, 4 में 5 में 5000 किलोमीटर। अभी अग्नि का और एडवांस वर्जन जो है वो भी बनना शुरू हो रहा है ना, जो कि 6000 को भी क्रॉस करेगा, और 5000 को जैसे आप क्रॉस कर जाते हो तो 5000 को क्रॉस करने के बाद में आप इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो जाती है आपकी, यानी कि कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट आप मार सकते हो, ठीक है ना। तो इंडिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। यही अगर आप पाकिस्तान को देखो तो उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स नहीं, 2000-2500 किलोमीटर की हाईएस्ट उनकी जो रेंज है ना लास्ट मिसाइल की, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नो ओवेशन फॉर इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन वॉर, ठीक है। नो ओवेशन का मतलब ये कोई मतलब कोई बधाई की बात या फिर कोई कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात नहीं है, इंडिया का जो स्टैंड यूक्रेन पर रहा है वो बिल्कुल खराब रहा है, इनका ये कहना है एडिटर का। तो इनका ये बोलना था कि भाई एक वर्ल्ड के अंदर एक नई चीज चलने को शुरू हुई है आजकल, वो नई चीज क्या है, दैट नई चीज ये है कि हम लोग ये बात कहते हैं कि भाई नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको आगे रखा जाएगा और प्रिंसिपल्स को पीछे रखा जाएगा, जिसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट क्या है उसको तो बहुत क्लैरिटी के साथ बताया जाता है, और प्रिंसिपल्स जो है उनको बहुत वेग माना जाता है, बहुत वेग तरीके से रखा जाता है कि नहीं ये तो प्रिंसिपल है ही नहीं, ऐसा तो कोई प्रिंसिपल होता ही नहीं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इंडिया के बारे में भी देखा था, इंडिया क्या कहता है कि इंडिया का बहुत डीप कंसर्न है ना यूक्रेन के वॉर के अंदर या फिर रशिया के वॉर के अंदर, सब कुछ देखते हुए भी जो है वो इंडिया की ये सिचुएशन है कि इंडिया उसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहा है, एकदम निहत्था और सिर्फ बिना कुछ करे बैठा है, और सिर्फ ये बात कह रहा है कि भाई इंडिया का बहुत भारी डीप कंसर्न है और नींद तक नहीं आ रही, ठीक है, इस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इनका ये कहना है कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने जिस समय हंगरी, आजकल क्या हो रहा है कि काफी लोग जो है वो इस बात का आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि भाई इंडिया अभी रिसेंटली ही ऐसा नहीं हुआ है, इंडिया पहले भी ऐसा था, क्योंकि जब हंगरी के ऊपर यूएसएसआर ने अटैक किया था 1956 में, उस समय भी जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका यही स्टैंड था, उन्होंने जो है वो किसी का भी स्टैंड नहीं लेकर के और ये बात कहती थी कि भाई उनको बहुत भारी डीप कंसर्न है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है इनका ये कहना है कि भाई उस समय में और आज के समय में काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। उस समय सिचुएशन ये थी कि रशिया जो है वो इंडिया के तरफ जो है वो पूरी तरह से झुका हुआ था, और रशिया जो है वो इंडिया को काफी ज्यादा तरीके से हेल्प करता था, जबकि इनका ये कहना है कि आजकल तो रशिया पाकिस्तान के साथ भी एंगेज होता है और पाकिस्तान के साथ मिलकर के भी और भी कई तरह के जो है वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, कई जगह पे एक्सरसाइजेस वगैरह भी करने की सोच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रशिया जो पहले पूरी तरीके से इंडिया की तरफ था और इंडिया की तरफ से ही काम करता था, वो चीज अब पूरी तरह से डाइल्यूट हो चुकी है। सेकेंडली चाइना का जो फैक्टर है उसको भी अगर हम लोग देखें तो उसमें भी यही चीज है कि चाइना के साथ जो रिलेशन रशिया के हैं वो पहले से काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सोच करके कुछ ना करें कि भाई रशिया जो है वो ऐसा कुछ जो हमें वापस जो है वो हेल्प करेगा, तो ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ उसके रिलेशंस काफी अच्छे हो चुके हैं। सेकंड का कहना ये है कि ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भाई डिफेंस सप्लाई 70% रशिया से ही आती है तो इसलिए रशिया का ही सपोर्ट करना पड़ेगा, ये भी बिल्कुल फ्लॉड है। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि दुनिया के अंदर हर जगह पर हर तरह की मिसाइल्स लगभग आजकल मिलती है, तो ऐसे में ये सोचना कि भाई सिर्फ रशिया ही मिसाइल्स प्रोवाइड कर सकता है जैसे कि पहले की जाती थी और पहले सिर्फ रशिया प्रोवाइड करता था इंडिया को, वो सिचुएशन नहीं है। अब आप पैसा फेंक करके और कुछ भी मंगा सकते हो, ठीक है, आपके पास जो है फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये चीज जो है वो उन्होंने कही है।
ठीक है। सेकंड इनका कहना ये है कि ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है नेक्स्ट कि भाई ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज इंडिया को शोभा नहीं देती, क्योंकि जो इंडिया ये बात कहता है कि वर्ल्ड पूरा एक फैमिली है और वसुदेव कुटुंबकम है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है वो रशिया का ये जो रशिया के अगेंस्ट इंडिया ने जो स्टैंड नहीं लिया है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है बल्कि इंडिया को भी आगे चल के इफेक्ट करेगा आगे चल करके, ठीक है ना। तो इनका ये कहना है कि भाई वसुदेव कुटुंबकम को मानना चाहिए, हालांकि अपनी अपनी सोच होती है, रियलिटी ये है कि इंडिया इसके अंदर कर भी क्या लेता, ठीक है, कर करा के ज्यादा क्या कर लेता। और अगर एक बार कह भी देता सेक्रेटरी आपके सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि भाई ये रशिया गलत कर रहा है, तो उसके रेपरकशन इंडिया को ही देखने को मिलते, बाकी सारे कुछ इफेक्ट तो पड़ता नहीं, है ना, क्योंकि रशिया नहीं तो भी उसको वीटो करता। इससे में इंडिया अपने रिलेशंस रशिया के साथ क्यों खराब करता। पर सबकी अपनी अपनी सोच है, उस कारण से इन्होंने ये बात लिखी है। नेक्स्ट इनका ये भी कहना है दैट कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन रशिया एंड चाइना। भाई इनका कहना है कि भाई इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और रशिया और चाइना दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो इंडिया को इस तरह की कंट्रीज का हेल्प नहीं करनी चाहिए, उनका साथ नहीं देना चाहिए। जो कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेसी जो है उस वहाँ पे काफी कम है और जहाँ के जो लीडर्स है वो अपने आप में ये चीज पूरे देश में कर चुके हैं कि हम लोग जब तक जीवित हैं, जब तक हम लोग लिविंग है, तब तक हम लोग जो है वो राज करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन के साथ इंडिया को हेल्प नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अपनी अपनी सोच है, उसके हिसाब से इन्होंने ये बात बताई। नेक्स्ट इज अनगाइडेड मिसाइल। देखिए जो मैंने आपको जैसे रिसेंटली अभी न्यूज बताई कि एक इंडियन मिसाइल जो थी वो जाकर के पाकिस्तान में लग गई, तो वही जो मिसाइल है उसके ऊपर उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है। इनका ही कहना है, देखिए ये जो साइड के जो एडिटोरियल होते हैं वो एडिटर्स टॉक होते हैं, यानी कि एडिटर खुद से जो हिंदू के जो एडिटर है वो अपनी तरफ से लिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी बड़ी न्यूज आएगी उसके ऊपर इनका लगभग एक ना एक एडिटोरियल मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो वही चीज जो है वो अभी इसके अंदर है कि वो जो मिसाइल गई थी उसी मिसाइल की जो है वो अभी उन्होंने लिखा है। इनका ये कहना है कि भाई पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई ज्वाइंट प्रोब होना चाहिए, यानी कि ज्वाइंट एक जो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो मिल करके इस चीज के अंदर देखे कि भाई क्या चूक हुई थी और किस तरह से जो है वो इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक मिसाइल आ गई, ठीक है, जिसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया और पाकिस्तान की एकदम डर गया था पाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या है कि इंडियन हाई कमिश्नर जो है पाकिस्तान, यानी कि इंडिया का जो एम्बेसडर है चाइना आपके पाकिस्तान को, उनको भी बुलाया गया और उनको दो बार बुला करके समन करके ये बात कही कि ये एकदम गलत है और आप जो इस तरह से मिसाइल टेस्ट करते हो बिल्कुल ठीक नहीं, ठीक है, ये चीज। तो इनका ये कहना है कि भाई इंडिया जो है वो अगर इस तरह से एक्सपेरिमेंट करेगा और इस तरह की चीजें करेगा तो वो काफी खराब है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो बड़ी न्यूक्लियर पावर है वर्ल्ड में और वर्ल्ड के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर अगर इंडिया है तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडिया इस तरह से कोई भी तरह का टेस्ट ना करे जो कि वर्ल्ड के अंदर उसकी इमेज खराब करे, भाई एक मिसाइल छोड़ी वो दूसरे देश में जाकर के चली गई, ठीक है, ये इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। इवन MTCR में इंडिया को जब लिया गया, MTCR क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली वर्ल्ड के बड़े बड़े ऐसे कंट्रीज हैं जो कि मिसाइल से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो उनके पास में है, और वर्ल्ड में अगर आपके पास में आपको 300 किलोमीटर से क्रॉस करके अगर मिसाइल बनानी है, ठीक है, तो आपको MTCR का मेंबर होना जरूरी है। तो रिसेंटली इंडिया जो है वो MTCR का मेंबर भी बन गया, ठीक है ना। और उसके बाद से जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मोस की भी हम लोग बढ़ा रहे हैं रेंज, 300 को क्रॉस करके 450 और 600 तक जा रहे हैं, तो उसका रीजन भी ये है कि MTCR में इंडिया को ले लिया गया और ये काफी आप कह सकते हो कि सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि रीजन ये है कि इंडिया ने NPT को साइन नहीं किया है, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी जो है उसको साइन नहीं किया इंडिया ने, यानी हमने ये बात नहीं कही है कि हम लोग जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, या फिर उसको यूज नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। उसके बावजूद भी इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट समझ करके और उसको एक मेंबर बनाया गया है। तो ऐसे में इंडिया अगर इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करेगा तो वो इंडिया के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, ऐसी चीज इनका कहना है। तो ये चीज इस एडिटोरियल में लिखी हुई। और पाकिस्तान का जैसे मैंने आपको बताया दिया, पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई 40,000 फीट ऊपर से आई थी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, ठीक है, और 3 टाइम स्पीड थी उसकी साउंड से, ठीक है ना, वो सब कुछ करेगा, वो कहेगा एकदम बस न्यूक्लियर वेपन ही आ गया था पाकिस्तान के ऊपर। नेक्स्ट इज यूक्रेन क्राइसिस डिलेज AK-203 रिट्रायल्स। देखिए अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्योंकि अभी चुनाव से रिलेटेड न्यूज आ रही है ना, तो इसलिए आज के अखबार में भी ज्यादा चीजें जो है वो चुनाव की है, उसी से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन है, है ना। तो लिमिटेड न्यूज है आज के न्यूज़पेपर में भी, ठीक है, और उससे रिलेटेड हम न्यूज देख रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल न्यूज ऑब्वियसली ज्यादा है क्योंकि देश के अंदर तो अभी चुनाव ही चुनाव चल रहे हैं, है ना। एक दो तीन और
शायद चुनाव की न्यूज आएगी उसके बाद में धीरे धीरे वो वापस जो है वो न्यूज सही आने लग जाएगी, हमारे जो काम की न्यूज है वो आने लग जाएगी। ठीक है, तो यूक्रेन क्राइसिस डिलेज AK-203 रिट्रायल्स। क्या होता है, कोई भी वेपन होता है उसका ट्रायल किया जाता है, जैसे हम लोगों ने रिसेंटली अभी जो मिसाइल का ट्रायल किया ना पाकिस्तान में, ठीक है ना, उस तरह का जो है वो ट्रायल किया जाता है। तो वैसे ही AK-203 का जो ट्रायल है, काफी सारे ट्रायल करे जाते हैं, उसके बाद में उसको एक्सेप्ट किया जाता है ना कि भाई इसको ले लिया जाएगा अब आर्मी के अंदर। तो रिसेंटली इंडिया जो है वो यूक्रेन क्राइसिस के कारण AK-203 राइफल जो कि हम लोग जो है वो रशिया से मंगाने वाले थे, है ना, AK सीरीज है, जैसे आपने AK-47 का नाम सुना होगा, तो AK-47 की तरह और भी कई सारी सीरीज है, तो उसके अंदर जो एक अपग्रेडेड वर्जन है सबसे, वो उसके अंदर AK-203 राइफल्स का है। हुआ क्या था बेसिकली, छोटी सी इसकी वो है दैट कारगिल के समय हमारे पास जो जिस भी तरह की वो थी हमारे राइफल्स थी, तो वो बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया है कारगिल का, तो वहां पर कई जो मिलिट्री मैन थे उन्होंने ये कंप्लेंट की कि भाई हमारे जो मशीन्स है, जो हमारी गन है वो जैम हो रही है, क्योंकि तो इतनी ज्यादा सर्दी है उस कारण से जो हमारा हाथ में जो राइफल है वो जैम हो रही है। ठीक है ना, तो हर तरह के मौसम के अंदर काम करने जैसी AK-47 या 73 राइफल्स नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब रिसेंटली अपग्रेडेड जो वर्जन आया है AK-203, इसके ये हर तरह के क्लाइमेट के अंदर काम करने जैसी है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम क्लाइमेट के अंदर भी ये काम कर सकती है। ठीक है, तो ये एक ज्वाइंट कोलेबोरेशन में बनने वाली थी रशिया और इंडिया के। ठीक है ना, इंडिया में यूपी के अंदर जो रिसेंटली एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसके अंडर ये बनने वाली थी। ठीक है, और 6.1 लाख राइफल्स बना रहे थे। ठीक है ना, तो इस चीज का ये जो काम था ये अब थोड़ा डिले हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि रशिया जो है वो पूरी तरह से अपने एक वॉर में लगा हुआ है, तो इसलिए इंडिया को जो है वो पॉसिबिलिटी कम हो रही है इंडिया की इसके अंदर। ठीक है, ये चीज है। लोकलाइजेशन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, इंडिया जो है पहले 5% जो है वो लोकलाइज वेपन्स बनाता था, बाकी सारा बाहर से इंपोर्ट करता था, अब 70% तक ये चीज पहुंच चुकी है। ठीक है, अब इंडिया ने और क्या क्या चीज करी है डिफेंस सेक्टर को जो है वो बढ़ावा देने के लिए, जैसे हम लोगों ने देखा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रिसेंटली जो है वो अनाउंस किया गया था मेक इन इंडिया के अंदर। ठीक है ना, डिफेंस कॉरिडोर पूरा बनाया जाएगा। सेकेंडली FDI की जो पॉलिसी है उसके अंदर भी 49 से बढ़ा करके 74% किया जाएगा, है ना। FDI इंडिया के अंदर आए, FDI का मतलब क्या होता है कि बाहर की कंपनी इंडिया में आकर के और मैन्युफैक्चर करे। ठीक है, जैसे राफेल आपने खरीदा, तो राफेल हम लोगों ने क्या कैसे खरीदा, हम लोगों ने वहीं की कंपनी को बोला कि भाई आप जो है वो बना करके राफेल हमें दे दीजिए। तो एक बार जैसे न्यूज भी आ रही थी अखबार में कि भाई राफेल इंडिया की तरफ आ रहे हैं, वो फोटो वगैरह खींच करके भेज रहे थे कि भाई यहाँ तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इधर से मुड़ चुके हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि बाहर की कंपनी बना करके देती है। FDI में क्या होगा कि वो यहाँ बैठ करके ही यहाँ की रिसोर्सेज और यहाँ के लोगों को यूज करके और यहीं पर जो है वो सारा चीज बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट होता है, एक तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, सेकेंडली वो जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आ जाती है। ठीक है, तो ये FDI जो है यानी कि यहाँ पर आकर के और आप बनाए उस चीज का अप्रूवल जो है वो बढ़ा दिया है। पहले 49% ही स्टेक होल्ड कर सकते थे बाहर की जो कंपनीज है वो, अब 74% तक ओनरशिप के साथ में आप इंडिया में FDI ला सकते हैं। ठीक है, ये जाते। सेकेंडली इंडिया ने रिसेंटली जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन की जो पॉलिसी निकाली है 2020 की, वो भी उसका भी पूरी तरह से एम यही है कि किस तरह से इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये चीज है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है ना, ये भी इसमें भी थोड़ा डिस्प्यूट रहा है ना, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड पहले यूपी में ऐसा कुछ था नहीं बड़ा। ठीक है ना, अभी रिसेंटली आया है तो इसमें भी काफी चीजें हैं कि भाई पॉलिटिकल जो है ये डिसीजन लिया गया वगैरह वगैरह, तो इसलिए शायद ये चीज पूछ ली जाए आपसे कि भाई रिसेंटली इंडिया ने कहाँ कहाँ डिफेंस कॉरिडोर खोलने की सोची है। नेक्स्ट इज विद फॉरेन स्टूडेंट्स आउट रशिया प्लमिट्स यूक्रेन। देखिए इसमें क्या है कि जैसे जैसे फॉरेन स्टूडेंट्स निकल रहे हैं रशिया से, अब इसमें समझने की बात है सीधी सी कि भाई इंडियन स्टूडेंट्स बहुत सारे अगर वहां पर है और इंडियन स्टूडेंट्स को अगर लगेगी अगर आप वॉर करोगे तो ऑब्वियस है इंडिया और रशिया के रिलेशन खराब होंगे, तो वो चीज ना हो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, तो रशिया ने क्या किया कि रशिया ने अपनी शेलिंग जो है वो कम कर रखी थी, पहले अटैक कम कर रखे थे मिसाइल्स अटैक, लेकिन जैसे ही जब हम लोगों को ये समझ में आ रही है और रशिया को समझ में आ रही है कि भाई इंडिया जो है उसका ऑपरेशन गंगा लगभग खत्म होने को है और लगभग जो बच्चे हैं उन्होंने बाहर निकाल लिए इंडिया के स्टूडेंट्स, तो ऐसे में जो है वो रशिया का जो अटैक है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है यूक्रेन के ऊपर। ठीक है, पमेल्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को वहां पे जो है वो मिसाइल्स गिराएं या फिर बहुत तेज अटैक करें, है ना, ये चीज। तो रिसेंटली अब इंडिया में वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर इंडिया के लोग हैं, ठीक है ना, तो एशिया के अंदर सबसे ज्यादा चाइना के अंदर है। ठीक है, उसके बाद यूक्रेन में थे, फिर रशिया में थे, और फिर फिलीपींस और किजाकिस्तान है। ठीक है, तो ये बेसिक कंट्रीज हैं जहां पर इंडिया के लोग पढ़ने जाते हैं बाहर।
ठीक है, जैसे इंडिया में हम लोगों ने देखा है कि मेडिकल कॉलेजेस काफी कम है और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा है पढ़ने वाले, तो इसलिए इंडियन लोगों को बाहर जाना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, है ना। और स्वास्थ्य सुरक्षा नाम की एक स्कीम भी चला रखी है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अब शुरुआत करेगी कि और नए मेडिकल कॉलेजेस वो पूरे इंडिया के अंदर खोल सके, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट इज चिल्का लेक एरिया टू बी ऑफ लिमिटेड फॉर मोटर बोट्स। देखिए मोटर बोट जो होती है ना, यानी उसके अंदर मोटर लगी हुई होती है चलाने के लिए, ठीक है ना। अब पानी के अंदर मोटर बोट आप वैसे तो लगाओ तो ठीक है, मोटर बोट की स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन अल्टीमेटली पानी के अंदर जो वल्चर्स रहते हैं, पानी के अंदर जिस जिस भी तरह के जानवर रहते हैं उनके लिए काफी खराब इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। कई बार वो उसके उससे अड़ भी जाते हैं, कई बार जो है वो उनकी डेथ भी हो जाती है उसके कारण, ठीक है। तो मोटर बोट्स को जो है वो अब एक लिमिटेड एरिया तक ही रह सकेंगे। अभी रिसेंटली ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, ओडिशा गवर्नमेंट ने ये बात करी है, ठीक है। तो चिल्का लेक क्या है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लगून है ये, और एशिया का लार्जेस्ट लगून है। लगून का मतलब क्या होता है कि ऐसा इस तरह का आपका एक कोई लेक जो कि ओशन से ही बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपका चिल्का लेक है ना, ये चिल्का लेक आपके ओशन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए इस तरह से ओशन से जुड़ा हुआ है हर तरीके से, है ना। इसमें से पानी जो है वो ओशन से आ रहा है ना। तो इस तरह को लगून कहते हैं, इस तरह की चीज को, ज्योग्राफिकल छोटे छोटे टर्म्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो लगून है तो ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लगून है, ठीक है। 1981 के अंदर चिल्का जो है उसको फर्स्ट इंडियन वेटलैंड जो कि रामसर साइट के अंदर, रामसर एक बेसिकली कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन है जो कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी लेक्स है उनको, वर्ल्ड के अंदर जितने भी लेक्स है उनको मेंटेन करने की कोशिश करती है ना। तो रामसर कन्वेंशन के अंदर इंडिया का जो पहला वेटलैंड गया था, है ना, वेटलैंड एरिया, वो चिल्का लेक था। वेटलैंड बेसिकली क्या होता है कि ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर पानी भी होता है और लैंड भी होता है, और काफी ज्यादा वेजिटेशन और काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उस एरिया में होता है, और एनवायरमेंट के लिए वो काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट होता है कि वेटलैंड्स को जो है वो संभाल के रखा जाए, ठीक है ना, ये चीज। सर अगर 2022 का क्लैट पोस्टपोन्ड हो गया तो क्या होगा? देखिए अभी तक तो हुआ नहीं है, ठीक है, और मोस्ट सिचुएशन में ये हो सकता है कि उसकी डेट जो है वो थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाएगी। इससे ज्यादा कुछ इफेक्ट होता हुआ अभी की सिचुएशन में नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा कुछ होगा तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी में चेंज कर लीजिएगा, और तो क्या, हमें तो अल्टीमेटली पेपर देना ही है ना, कभी भी हो, तो ये चीज है, ठीक है। तो चिल्का लेक का मेजर अट्रैक्शन क्या है? तो इरावली डॉल्फिन है, ठीक है। इंडिया के अंदर दो बड़ी डॉल्फिन जो है जो फेमस है, वो एक तो है इरावली डॉल्फिन और एक कौन सी, एक और, दैट इज गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन इंडिया की जो है वो बहुत कम लोगों को पता है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेशनल एनिमल हमको पता है, नेशनल बर्ड हमको पता है, लेकिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल बहुत कम लोगों को पता है। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? वो है गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। तो जैसे गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो गंगा के अंदर बहुत फेमस है, बिहार के एरिया मेजरली, अभी रिसेंटली उनकी एक सेंचुरी भी बनी है। तो वैसे ही इरावड़ी जो डॉल्फिन है वो चिल्का लेक में काफी ज्यादा फेमस है। जैसे डॉल्फिन का आपको पता ही होगा कि दुनिया के अंदर जो है वो आपके, क्या चीज कह रहा था मैं, हाँ एग्जैक्टली, इरावाड़ी डॉल्फिन जो है वो काफी फेमस है इस एरियाज के अंदर, और वर्ल्ड के अंदर जो बड़े बड़े जो आपके जानवर हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा जो समझदार जानवर कहे जाते हैं उसके अंदर से एक जो है वो डॉल्फिन को कहा जाता है, ठीक है ना, ये चीज है। फिर नालाबाना आयरलैंड जो है वो भी इसके अंदर है जो काफी फेमस है, ठीक है ना, जो कि काफी मेजरली जो है वो बर्ड वहां पर काफी ज्यादा आते हैं। कई बार अखबार में इसकी न्यूज भी आती है, फोटोज भी आती है, किस तरह से इस एरियाज के अंदर बर्ड जो है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं और काफी ज्यादा इंक्रीजिंगली आ रहे हैं, है ना, बाहर से रशिया से जो है वो बर्ड आते हैं। फिर रिसेंटली तो ये न्यूज आई है कि रशिया में जो बर्ड गए थे वापस, वहां पर काफी ज्यादा साउंड होने के कारण, जो ब्लास्ट हो रहे हैं उस कारण, काफी साउंड होने के कारण वो सारे बर्ड भी वापस आ रहे हैं इंडिया की तरफ, ठीक है। तो ये चीज है, इंडिया एक बड़ा शेल्टर बन चुका है इन बर्ड्स के लिए, ठीक है। तो ये बड़ा एरिया जो है वो चिल्का लेक के जो नाला बना आइलैंड का है वो है इसके लिए, ठीक है ना, ये चीज है। काली जी टेम्पल यहाँ पे बहुत फेमस है, ठीक है ना, इसकी भी काफी सारी स्टोरीज है। बेसिकली यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको काफी मानते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये वर्ड्स है थोड़े जो कि शायद आपको पेपर पूछ ले कि भाई ये चीज कहाँ से किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये चीज। ये बेसिकली उड़ीसा का ये आइलैंड है, देखिए उड़ीसा का ये एरिया है ना इंडिया में, और यहाँ पर ये आइलैंड है, यहाँ पर ये लेक है, और ये इस लेक की जो है वो आपके फोटो है जिसके अंदर किस तरह से लगून जो है वो बना हुआ है ना, ये बात है। ये सॉल्ट वाटर का सबसे बड़ा लेक है इंडिया में, जैसे आपको पता ही होगा। फ्रेश वाटर का कौन सा है वो बता सकता है? इंडिया में फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ईरान क्लेम्स मिसाइल,
मैरिज नियर यूएस कंसल्टेट इन इराक। देखिए अब इस चीज को समझिए क्या होता है, थोड़ा सा इसके में आपको बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी। होता क्या है कि यूएस और इसराइल, ठीक है ना, यूएस और इसराइल का जो रिलेशन है वो जय वीरू वाला है ना, काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन है इनके आपस में। और इसराइल बेसिकली इतना ज्यादा इस एरिया के अंदर टिका हुआ है, इसराइल जिस एरिया में रहता है उसके आसपास सारे मुस्लिम कंट्रीज है और वो अकेला जो है वो जूज है इस एरिया में। उसके बावजूद भी जितनी धाक से वो वहां पे टिका हुआ है, उसका बड़ा रीजन ये है कि यूएस का हैंड है पीछे, यूएस का सपोर्ट है उसके पीछे, और इस कारण से वो वहां पर काम कर पा रहा है। अब इसराइल का क्या है कि इसराइल का बॉर्डर लगता है सीरिया के साथ में, ठीक है, और वहां पे गोलान हाइट्स नाम की एक जगह है जिसके लिए कंटेस्ट चलता है दोनों के बीच में। दोनों कहते हैं ये एरिया मेरा है, वो कहता है मेरा है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि इसराइल ने जो है वो अटैक किया था, और वहां पर जो सीरिया के अंदर जो ईरान की जो मिलिट्री के काफी सारे लोग, ईरान में भी सीरिया के अंदर क्या है कि फाइटिंग चल रही है काफी ज्यादा, है ना, वहां पे आईएसआई से लड़ने के लिए काफी फाइटिंग चल रही है। तो रशिया भी उसमें इन्वॉल्व है, ईरान भी इन्वॉल्व है, यूएस भी इन्वॉल्व था पहले, है ना, तो काफी सारे देश इन्वॉल्व थे। तो रशिया में रिसेंटली जो ईरान की जो सोल्जर्स थे उसके ऊपर जो है वो इजरायली सोल्जर्स ने अटैक करा और दो सोल्जर्स मर गए थे। तो इस चीज का वापस बदला लेने के लिए अब यूएस जो है वो उसका एकदम पक्का एलाई है इसराइल का, और इसराइल और यूएस का और आपके इसराइल का जो रिलेशन है ईरान के साथ वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इंडिया और पाकिस्तान वाला रिलेशन, ठीक है। तो ईरान ने जो है वो वापस आप कह सकते हो कि बदला लेने के लिए क्या किया कि उसके पास की जो कंट्री है इराक, वहां पर जो वहां पे कंसल्टेंसी है यूएस की, यानी कि यूएस की जो एम्बेसी उस एरिया के पास में है, वहां पर जो एक मिसाइल अटैक कर दिया, ठीक है। वो मिसाइल अटैक करने से उनका भी हमने बदला वापस ले लिया, पर यूएस का ये कहना है कि भाई ना तो वहां पे किसी का लॉस हुआ है, ना हमारा कोई पर्सन जो है वो मरा है। ये बेसिकली उसका रीजन भी यही है, आगे भी ये ऐसे ही करेंगे। उसका रीजन सीधा सा ये है कि भाई आप एक भी यूएस के सिस्टम ये है कि वहां पर अगर एक भी वहां का मिलिट्री ऑफिसर या आर्मी मैन मर जाता है ना, और ताबूत में अगर वापस घर आता है, तो वहां पे इतना ज्यादा रिवोल्ट होता है और इतना ज्यादा वहां पे प्रोटेस्ट होता है कि वहां की जो गवर्नमेंट है उसको संभाल नहीं पाती। तो अल्टीमेटली वहां की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा खतरनाक रिस्पॉन्ड करना पड़ता है उसके अगेंस्ट में। तो इसलिए जो है वो अटैक ना कर दे यूएस, इसलिए कभी भी ईरान जब भी अटैक करेगा यूएस के नाम पर कि भाई हम लोग वापस रिटेलिएट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो कभी भी यूएस के कोई भी तरह की प्रॉपर्टी को या पर्सन को हार्म नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है यूएस अगर अटैक करने लग जाएगा और यूएस अगर इस तरह से करना लग जाएगा तो ऐसी सिचुएशन जो है वो काफी खतरनाक हो सकती है ईरान के लिए, ठीक है। ये चीज है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ईरान और ईरान के रिलेशन जो है वो कब शुरू हुए, तो 1883 में हुए। कई बार क्या होता है कि आपके जो पैराग्राफ आते हैं पेपर में उसमें एकदम वेरिड चीजें पूछ ली जाती है जो कि बहुत दूरी से जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड होती है, लेकिन वो रिलेटेड होती है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ अलग डिटेल्स थी जो कि शायद आपके पेपर में पूछ ले, वो इसलिए मैंने डाल दी। तो इन दोनों के जो है वो यूएस और ईरान के रिलेशंस कब स्टैब्लिश हुए, तो 1883 के अंदर स्टैब्लिश हुए, ठीक है। सेकेंडली यूएस और ईरान के बीच में जो रिलेशन खराब होने शुरू हुए हैं उसका रीजन बेसिकली ये था कि जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुस्ताक, उनको 1953 में जो है वो यूएस ने मार दिया था। उसके बाद से इन दोनों के बीच में रिलेशंस काफी ज्यादा खराब होते चले, ठीक है, ये चीज है। दूसरी एक बड़ी चीज ये भी है कि सऊदी अरेबिया और जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो रिलेशन है ईरान का वो काफी खराब है, और सऊदी अरेबिया और यूएस के रिलेशन काफी अच्छे हैं। तो इस कारण से भी जो है वो आपके दोस्त का दुश्मन जो है वो अपना दुश्मन हो जाता है, ठीक है। तो उस कारण से जो है वो ईरान और यूएस के बीच में रिलेशन हमेशा से खराब ही रहे, ठीक है। हम लोगों ने रिसेंटली जेसीओपा भी देखा था जिसके अंदर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, है ना, कि न्यूक्लियर वेपन हम लोग नहीं बनाएंगे, बदले में हमारे ऊपर सैंक्शन हटा दिए जाए, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी स्टोरी जो है वो ईरान से रिलेटेड, क्लियर। फिर शॉर्ट में कुछ न्यूज है। फर्स्ट इज चाइना टू फेस कॉन्सिक्वेंस इफ इट हेल्प्स रशिया इविट सैंक्शंस, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली क्या चीज है कि अगर आप देखोगे कि इसमें ये चीज लिखी गई है कि अब रिसेंटली यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका ये कहना है, जेक सुलिवियन, उन्होंने ये बात कही है कि भाई अगर चाइना हेल्प करेगा रशिया को इस सैंक्शंस को इवेड करने में, यानी कि सैंक्शंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर रशिया को चाइना हेल्प कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज भेज रहे हो, आप जो है रशिया को कोई चीजें दे रहे थे, कहीं उससे चीजें ले रहे थे, अब आपने वो चीज बंद कर दी ताकि रशिया के ऊपर कुछ इफेक्ट हो, लेकिन चाइना ये बात कहते कि भाई जो बाकी लोगों से तुम ले या दे रहे थे वो अब मेरे साथ कर लो, है ना, और मैं आपको जो है बदले में डॉलर दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं अगर इस तरह से चाइना ने हेल्प करने की कोशिश करी रशिया को, तो उसके ऊपर भी यह सैंक्शन लग सकते हैं और यूएस लगा सकती है, ठीक
ठीक है, एक छोटी सी न्यूज से रिलेटेड है। सेकेंडली, इंडिया रिलोकेट्स एम्बेसी इन यूक्रेन टू पोलैंड। हम लोगों ने यूक्रेन का जो मैप देखा था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि उसके पास पास में कौन कौन सी कंट्रीज है ना, तो हमने देखा था कि भाई आपकी पोलैंड जो है उसके पास में है, रोमेनिया उसके पास में है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो दो बड़ी कंट्रीज है ये, तो उसमें इंडिया ने ये चीज सोची कि भाई यहाँ पे काफी ज्यादा बमबारी हो रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमारी एम्बेसी जो है वो थोड़े टाइम के लिए। एम्बेसी क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे देश का एक रिप्रेजेंटेटिव हर देश के अंदर रहता है, ठीक है ना। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वही सारी हेल्प करता है इंडिया से रिलेटेड कोई भी काम वहां पे करने में, जैसे ऑपरेशन गंगा करने में काफी ज्यादा वो काम करते हैं। प्रणय नाडा सिंह की, सर अगर आज से प्रिपरेशन करूं तो क्लैट 2020 निकलेगा, प्लीज रिप्लाई। देखिए, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने एक एक महीना पढ़ाई करके और क्लैट निकाला है ना। मेरे इवन मेरे जान में भी कई लोग हैं जिन्होंने निकाला है, और एनएलई जोधपुर के अंदर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने निकाला है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज नहीं है कि निकलता नहीं है शॉर्ट के अंदर, पर वो है कि उस समय पैटर्न भी अलग था, अभी पैटर्न थोड़ा अलग है। तो अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है इंग्लिश में, आप थोड़े ठीक हो और रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो अगर आप रीजनिंग वगैरह के अंदर बढ़िया, तो चांसेस रहते हैं पास होने के। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी चांस नहीं है अभी के लिए, पर चांसेस रहते हैं पास होने के, ठीक है ना, ये चीज। नेक्स्ट इज, ईरान सस्पेंड्स टॉक विद सऊदी अरेबिया। ईरान बेसिकली, सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली क्या किया कि एक आपके 41% लोग थे शिया मुस्लिम्स, उनको मार दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि सऊदी अरेबिया और ईरान के जो है आपस में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती है ना, इंडिया और पाकिस्तान जैसी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जो ईरान है उसके अंदर शिया मुस्लिम्स है, और जो आपके सऊदी अरेबिया है उसमें सुन्नी मुस्लिम्स है ना। तो ये दोनों ही जो कंट्रीज है उसके अंदर अलग अलग, इनके दोनों के बीच में भी राइवलरी है, और यहाँ पे जो है वो ये आप इस तो सेक्शन हुआ हुआ है जो मुस्लिमिज्म में है ना, कि दो कास्ट बनी हुई है शिया और सुन्नी, तो उसके बेस पर भी ये लोग आपस में लड़ लेते हैं, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली क्या किया कि 41 जो शिया मुस्लिम थे उनको मार दिया, ठीक है ना, उनको जो है वो मार दिया। तो उससे क्या होगा, दैट उससे क्या हुआ कि भाई ईरान को काफी गलत लगा कि भाई आपने शिया मुस्लिम को क्यों मारा, बाकी क्यों नहीं मारा। तो इसलिए जो है वो ईरान ने जो है वो इनके साथ बातचीत खत्म कर दी अभी रिसेंटली, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत न्यूज जो है वो आपकी न्यूज पेपर में आज थी, ठीक है, और ये था आज का हमारा न्यूज पेपर। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आपको पूछनी हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम लोग जो है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूज़पेपर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। समवन इज आस्किंग कि सर नोट्स के लिए वीकली सही है या डेली। देखिए, आप जितने कम नोट्स बना सके उतना बनाएं, मेरी रिक्वेस्ट है, और ज्यादा नोट्स ना बनाएं, है ना, जितना कंसाइज काम कर सके उतना करें, है ना, वही ठीक रहेगा ये चीज। हाँ सर, वो बंद करना था। हाँ सर।